नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीके का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है ना। और आज का जो आपका वीडियो है वो आपका काफ़ी बेहतरीन है, फुल डिस्क्राइब के साथ आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न बनाए गए हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए टेस्ट आपका बेहतरीन होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है। मतलब ये कह रहा है कि आपके भारत का सबसे ऊंचा आपका कौन है, हिमालय पर्वत है। इसके अलावा भारत का उच्चतम स्थान आपका, यह कह सकते हैं उच्चतम आपका जो चोटी है वो आपकी कौन सी है, ठीक है। श्रृंग मतलब आपकी चोटी हो गई। तो सबसे ऊंची चोटी जो आपके भारत में हिमालय पर्वत के बाद है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन राइट आपका डी, अन्नाईमुडी। ये अन्नाईमुडी कहाँ पर है, तो अन्नाईमुडी आपकी पड़ती है कहाँ पर, जो आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में आपकी जो अन्नाईमलाई पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अन्नाईमुडी। तो इस प्रकार से आपकी ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अन्नाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर बात करें कि आपकी अरावली की, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आपकी गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है। और यह बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि नीलगिरी की पहाड़ी, तो नीलगिरी की पहाड़ी भी आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये जो आपकी ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी की। इस प्रकार से आपके तीनों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो याद रखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, या कह सकते हैं उनके पिंड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, जो ऑप्शन राइट आपका ए लिखा है, एस्ट्रॉयड, ठीक है। ये आपके होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कह रहा है आपसे कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। तो भारत सरकार को जो वार्षिक कर आपका जो राजस्व से प्राप्त होता है, सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है, तो वार्षिक कर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपकी आय और निगम कर से, ठीक है। किससे, आय और निगम कर से, ठीक है। तो आय तो आपको पता है कि ये मान लो सभी प्रकार से आपकी आय हो सकती है। निगम कर जैसे रजिस्टर्ड कंपनियों और निगमों के आरोपित होती हैं निगम कर, ठीक है, उससे मिलता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 4 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सशर्त उपलब्धि प्रणालियों अर्थात CAS का निकट का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का है, सशर्त। और इसका जो आपका संबंध है किस क्षेत्र से है, तो इसका जो संबंध है आपके ऑप्शन राइट आपके बी से हो जाएगा, केवल टीवी नेटवर्क से है, ठीक है। किससे है, टीवी नेटवर्क से संबंधित है। और व्यक्तियों के बीच बैंकिंग की आयत बढ़ाने के उद्देश्य से आपके 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भी स्थापना की गई थी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली बार डाक टिकट कब प्रचलन आया था, तो 1854 में पहली बार डाक टिकट आपके भारत में प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है, कराची से सर्वप्रथम हुआ था, कराची से। नेक्स्ट कर आपसे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार हमेशा पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। तो पुलित्जर पुरस्कार आपका जो दिया जाता है वो आपकी एक बोर्ड है आपका, आपको कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ की पत्रकारिता के लिए आता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, आपका पुलित्जर पुरस्कार आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 आ गया है, एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा है कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका स्थित है, आपके श्रीलंका। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका यहाँ पर बोला जाएगा श्रीलंका में है, ठीक है ना। एलिफेंटा दर्रा वो आपकी एलिफेंटा गुफाएं हैं जो आपके महाराष्ट्र में, याद रखना ये दर्रा आपसे पूछ रहा है, एलिफेंटा तो कहाँ पर आपके है, श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात HDI क्या है। HDI आपने पढ़ा होगा, मानव विकास सूचकांक, HDI, ठीक है। तो ये आपकी है क्या, तो ये क्या है आपकी, तो ये एक विभिन्न देशों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय साक्षरता और
के आधार पर आकलन करने का होता है, मतलब कि जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, ये कह सकते हैं HDI का जो आकलन करते हैं, तो लोगों की जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और अच्छे से रहन सहन के स्तर पर आपका ये आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा। तो बर्फ पर अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक क्या हो जाएगा भाई, तो उसका आपका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। आप लोग देखते हैं कि कोई बर्फ होती है उसको ढक देते हैं ताकि जल्दी जल्दी घुले ना, ठीक है, इस कारण से होती है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 है। कह रहे हैं सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है भाई, तो ये दिखाई देता है किस कारण से, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। ये प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकाश को जब हम देखते हैं कि प्रकाश वायुमंडल में धूल आदि कणों से जब प्रकीर्णित होता है तो उस समय आपकी जो प्रकाश होती है चारों तरफ बिथर जाता है, और ऐसी स्थिति में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, वो चारों तरफ बिथरता नहीं है, इस कारण से यह कह सकते हैं चारों तरफ विस्तृत नहीं होता है, इस कारण वो दिखाई देता है, यही कारण होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, देखते हैं कि घरों में जो वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है, तो ये होती है समांतर क्रम में होती है। देखो क्या होती है, समांतर क्रम में होती है, मतलब कि देखा जाए तो एक कमरे की अगर लाइट बंद करना है तो एक ही बंद करते हैं ना, लेकिन श्रेणी क्रम में होते तो एक बंद करेंगे तो सब जगह का बंद हो जाएगा, इस प्रकार से किस प्रकार से करते हैं, समांतर क्रम में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, समांतर या पैरलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोहे में जंग लगना है एक, तो लोहे में जंग लगती है तो कैसे लगती है भाई, तो लोहे में अगर जंग लगती है तो ऑक्सीकरण के द्वारा होती है, मतलब क्या होती है कि ऑक्सीडेशन के कारण उसमें जंग लग जाती है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया के माध्यम से लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाएगा, तो लोहे का भार बढ़ जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि फारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होता है, किस ताप पर। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए किस ताप पर, मतलब फारेनहाइट और आपका सेल्सियस पैमाने पर जो आपका माप होता है तो किस एक पाठ्यांक पर समान होता है, तो ये होता है आपके -40 में। ठीक है, -40 में फारेनहाइट और आपका सेल्सियस पैमाना क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं आपसे कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो भाई किस में होती है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, तो कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 13 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है आपकी इस्पात या स्टील में। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, और एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, वहीं पर अगर बात करें जल में, तो जल में होती है 1493, पारा में होती है 1450 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। आप लोग देखते हैं जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, ये क्यों रखते हैं भाई, तो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, मतलब ये हुआ कि अगर जो आपका सोडियम होता है अगर उसे हम लोग हवा में या अर्ध हवा में रख दें तो सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड अर्थात Na2O की सतह जम जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, यही कारण है कि सोडियम को धातु को जो सोडियम धातु हो तो केरोसिन तेल में रखते हैं, किसमें, केरोसिन तेल में, अर्थात मिट्टी के तेल में रख लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो आविष्कार किसने किया था, ये आविष्कार किए थे आपके एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। वहीं पर अगर बात करें कि जो आपका विटामिन, विटामिन की खोज आपके फंक ने किया था, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो जान ए सॉल्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका RBC। ठीक है, कौन करता है, RBC करता है। आप देखते हैं कि लाल रक्त जो होता है वो आपके बॉडी में फेफड़ों तक जाता है और आपका ऑक्सीजन की पूर्ति करता रहता है। ठीक है, और ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, RBC। नेक्स्ट कर आपसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, उसे आपको पता है कि 1 मिनट 72 बार होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक बार धड़कने में, एक बार धड़कने में लगता है आपको कितना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार धड़कने में। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि 18 नंबर आपसे कह रहा है
कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के विस्तार कहाँ से कहाँ, अर्थात आपका जो हिमालय है इसका विस्तार आपका पश्चिम से पूर्व की ओर कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका जो हिमालय है वो इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका विस्तार आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक जगह पड़ती है नंगा पर्वत, ठीक है, और यहाँ पड़ती है आपकी नामचा पर्वत चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से कहाँ से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक होती है, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आपका होती है हिमालय पर्वत, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जो हिमालय पर्वत होता है देखते हैं बर्फ जमी रहती है, ठीक है, बर्फ जमी रहती है ना। तो होता क्या है कि हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचाई में है, जो बराह हिमालय उसमें बर्फ जमी होती है। क्योंकि यह बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर सदा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। बराह हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो चुका है। तो आपका भारत में ये जानवर लुप्त हो गया कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चीता, ठीक है। कौन है आपका चीता, आपका यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि लुप्त हो चुका है, ठीक है। और इसके लिए बचाने के लिए या सुरक्षा के लिए आपके भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दो प्रकार के निवास स्थल बनाए गए, एक होता है पशु विहार, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और पशु विहारों में पक्षियों और पशुओं को सुरक्षा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में संपूर्ण परिस्थिति की आपका कह सकते हैं सुरक्षा की जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो संसद में संबोधित या कह सकते हैं बोल सकता है या कह सकते हैं भाषण दे सकता है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो ये आपका होता है जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 का ए हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। और भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उसकी समिति में बोल सकता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसके बनने के लिए वही हर मतलब कह सकते हैं कि इसके बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती हैं, ठीक है। इसका दर्जा आपका जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या है। अर्थात ये कह रहा है कि किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है तो किस स्तर पर प्रदान करते हैं, क्या होता है आपका विशेष दर्जा, ठीक है। तो विशेष दर्जा क्या होता है, तो यहाँ पर पहला आपसे पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश भाग या अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता के प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। समझ नहीं पा रहे होंगे ना, हम आपको समझाते हैं। जो केंद्र सरकार होती है वो जो पैसा देती है आपके राज्यों को, जिसको कह सकते हैं कि सहायता प्रदान है विशेष राज्य, उनको 90% जो पैसा होता है वो आपको फ्री में होता है, जिसमें से 10% जो पैसा होता है वो बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है राज्यों को, ठीक है ना। अदर जगह तो देखते हैं बहुत ब्याज मिलेगा और इतनी परसेंट राशि नहीं मिलेगी इनको योगदान के लिए। तो इस प्रकार से होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्री मिल जाता है और जितना और मिलता भी है वो बहुत ही कम पैसे में मिल गया कह सकते हैं, बहुत कम ब्याज में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए आपका कोई डिया होगा डी नंबर, उपरोक्त में से ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना विशेष राज्य की दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। इसका मतलब है युगल मतलब जोड़ा हुआ, मतलब माता या पिता में किसी में आपका एक का ए है और दूसरे का बी है, तो बच्चों में क्या नहीं होगा भाई, ओ तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना। तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था, अर्थात जिसने चंडीगढ़ का निर्माण किया या वास्तुकला वहाँ की बनाई है वो आपके कौन थे, ले कोर्बुजियर, और ये किस देश के नागरिक थे। तो ये किस देश के नागरिक हैं, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये फ्रांस के नागरिक थे, ठीक है, फ्रांस के थे। और आपके चंडीगढ़ में पर्यटक केंद्रों में देखा जाए तो रोज गार्डन, रॉक गार्डन, शांति कुंज, झील संग्रह, आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी,
आप प्रोटेस्ट आदि आपके मुख्य वहाँ पर हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये देख लेना है चंडीगढ़ के बारे में कि चंडीगढ़ सन 1966 में केंद्र शासित क्षेत्र बना था। ठीक है, और यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 24 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग नहीं है, हैजा भी है, क्षय रोग भी है, डिप्थीरिया है, लेकिन धनुष, टंकार या कह सकते हैं टिटनेस, जो आपका टिटनेस होता है ये आपका नहीं है। और जो आपका टिटनेस है तो टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धनुष टंकार भी बोला जाता है। और ये बीमारी से ग्रसित होने पर रोगी की गर्दन व जबड़े की पेशियाँ संकुचित हो जाती हैं और तेजी से दर्द होता है और पूरे शरीर में ऐठन हो जाती है, इसलिए इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बचाव के लिए बच्चों में DPT का टीका, कौन सा? DPT का टीका लगाता है, DPT का टीका लगाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो पण मतलब वस्तु होती है, वस्तु क्या हो जाएगी? आवश्यकता होगी। अगर मांग की आय लोच से अधिक है तो आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर वस्तु की क्या होगी? आवश्यकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कुछ शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। शुष्क सेल में जो आपका एनोड होता है तो एनोड किस चीज़ का बना होता है? तो शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो आपका होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का। देखिए आपका एक पात्र होता है जो आपके जस्ता का होता है जो कि कैथोड का कार्य करता है, उसके बीच में कार्बन की आपकी डाली जाती है ग्रेफाइट जो कि एनोड का काम करते हैं। समझ में आएगा ना। तो एनोड की होती हैं ग्रेफाइट, जो एनोड का कार्य करती हैं वो आपकी ग्रेफाइट होती हैं, जो कैथोड का काम करता है वो खुद का पात्र होता है जो कि जस्ता का होता है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये आपका है ऑप्शन राइट आपका बी, हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया है। ये लिंग संलग्न आपका रोग है, मतलब कह सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाला रोग है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को चोट लग जाती है तो आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है और इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस रोग की वाहक कौन होती हैं। तो इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं। ठीक है, होती हैं स्त्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में विटामिन बी वन कौन सा है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, यहाँ पर पूछ रहा है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम। ठीक है ना, तो विटामिन बी वन आपका कौन हो जाएगा? 28 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, थायमीन होता है। ठीक है, कौन होता है? थायमीन होता है और रासायनिक नाम पर थायमीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि बेरी बेरी भी एक होती बीमारी जो आंखों से संबंधित होती है। ठीक, बेरी बेरी जो होती है वो आपकी बॉडी में जो नसें होती वो चिपकने लगती हैं। ठीक है, नसों में मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ा झुर्रिया जैसे टाइप हो जाती हैं। ठीक है, और इसके जो स्रोत होते हैं मूँगफली हो गई, तिल हो गया, सूखी मिर्च भी, और आपके जो दाल होती है धुली हुई, बिना धुली हुई दाल हो गई, ये आपकी चीज़ें आपकी इनमें पाया जाता है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है आपका कि कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कूना, तो ये आपकी कहाँ की है? तो ये है आपके कुवैत की है। ठीक है, कहाँ की है? कुवैत की। अब तीन चार क्वेश्चन बहुत ही पूछे, जैसे रूस की, तो रूस की समाचार एजेंसी कौन है? तास है। ठीक है, तास। और आपके चीन की क्या है? तो चीन की है शिन्हुआ। भारत की यूनिवार्ता और इंडोनेशिया की अंतारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राज तरंगड़ी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित किया गया है। राज तरंगी जो कि कल्लड़ ने लिखा है और इसमें जो वर्णन किया है वो आपके कश्मीर का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कश्मीर का वर्णन किया है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रमाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक जीवन के बारे में या राजनीतिक जीवन के बारे में जो प्रमाणिक रचना मिलती है वो किससे मिलती है? तो मेगस्थनीज के द्वारा जो रचित की गई थी इंडिका पुस्तक से। ठीक है, किससे? इंडिका से आपकी प्रकाशित होती है, कह सकते हैं जानकारी प्राप्त होती है इंडिका से। ठीक है, ये मेगस्थनीज ने कह सकते हैं रचा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 है, अगर आपसे T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो पहला शतक जो लगाए थे वो आपके किसने लगाया था? आपके ऑप्शन राइट आपके क्रिस गेल ने लगाया था। ठीक है, क्रिस गेल ने लगाया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि T20 क्रिकेट जो विश्व कप खेला गया था सर्वप्रथम कब से खेला जा रहा है। ठीक है, सर्वप्रथम कब से खेला जा रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट कर आपसे, भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो भारत से बाहर पहला भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारतीय प्रवासी दिवस आपके गांधी जी के आगमन की वजह से मनाया जा रहा है, ठीक है। आपके 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब से? 2003 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 2003 से ये मनाया जा रहा है। और आपका ऐसा कौन सा प्रवासी दिवस है जो पहली बार भारत से बाहर मनाया गया? तो ये आपका जो मनाया गया था आपके 2018 में, ठीक है, कहाँ पर? 2018 में सिंगापुर मनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका कोई नहीं दिया गया है, सिंगापुर, ठीक है। इस कारण से आपको यहाँ पर आंसर याद रखिए, सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पर? सिंगापुर में किया गया था 2018 में, ठीक है। 2019 का कहाँ हुआ था? तो आपके वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 नंबर, कि आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? आपके जो आर्य लोग आए हैं वो आपके मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है, और आपके पंजाब प्रांत में आकर बसे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो जाति रहती थी वो आपकी द्राविड़ जनजाति यहाँ पर रह रही थी, द्राविड़। नेक्स्ट कर आपसे, कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह है, किसके कम है, और वही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे करना है। तो सबसे ज़्यादा आपके जो उपग्रह हैं वो आपके बृहस्पति के हैं, तो आपका 2 आपका नंबर में आएगा पहले, ठीक है। फिर आपके किसके हैं? बृहस्पति के बाद आपके जो हैं वो आपके शनि के हैं, फिर आपके वरुण के हैं, फिर आपके मंगल के हैं। इस प्रकार से 2 3 1 4 जो ऑप्शन होगा वही आंसर आपका सही होगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36 है। अगर आपसे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो ये व्यास कितना है, ये है आपका जो वैसे होता है 12756, तो इसके लगभग पास में जो आपका हो जाएगा 12750 आपको सही करना है। और ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12713 है, ठीक है, 12713 किलोमीटर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, कि वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था, ठीक है। तो आपका ये जो वृत्ताकार आकृति वाला था उपग्रह सर्वप्रथम छोड़ा गया था USSR के द्वारा, ये आपका कौन सा था, तो आपका ये था स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है, कौन था? 37 का ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट था। ये आपका 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को रूसी यान स्पुतनिक फर्स्ट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद आपका स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण भी किया गया था, और इस यान के माध्यम से कुत्ते, जो एक कुत्ता था ना लाइका, जिसे लाइका बोलते हैं कोई कोई, ठीक है, वो आपका भेजा गया था, जिससे ये पता चल गया था कि नहीं मानव भी वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, तो उपग्रह की जो कक्षीय अवधि होती है वो आपकी समानुपाती होती है किसके होती है, ये होती है आपकी ऑप्शन राइट आपके ए आर के घात 3/2, ठीक है, क्योंकि घनमूल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 40 नंबर 39 नंबर, कि बाहत कहाँ की मुद्रा है, बाहत कहाँ की मुद्रा है, तो ये जो आपकी बाहत मुद्रा है आपकी, ये हो जाएगी 39 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपकी थाईलैंड की है, ठीक है, थाईलैंड की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न से कहाँ से पिघलती है। आप देखते हैं कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वहाँ पर जो बर्फ पिघलती है कहाँ से पिघलती है, तो याद रखिए हमेशा जो बर्फ होती है वो पिघलती आपकी सतह से पिघलती है, ठीक है, कहाँ से, सतह से होती है, यहाँ से सतह से पिघलती है सर्वप्रथम, तो आपसे हो जाएगा सबसे निचली स्तर से, ठीक है, सबसे निचली स्तर से पिघलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज कर देता है लोगों को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दोआब शब्द से क्या समझते हैं, दोआब क्या होता है भाई, तो हमने बताया था दोआब होता है दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पर कौन सा सही दिया है, तो कह रहा आपसे यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, कन्फ्यूज वाले दिए गए हैं, इसलिए जहाँ से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है, तो ये तो नहीं होगा, बी कह रहा है जहाँ दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक नहीं हो सकता, दो ही नदियाँ होंगी, ये भी गलत होगा। थर्ड कह रहा है दो भिन्न नदियाँ अर्थात एक ही होगी एक ही हो की व्यवस्था के बीच की भूमि अर्थात ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि, दो की शाखाओं अर्थात एक नदी ये है इसी से ये फूट गई, तो ये तो नहीं होती,
होती हैं, दो अलग नदियाँ होना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वेदांत गल पच्ची विहार अवस्थित है, वेदांत गल पच्ची विहार जो अवस्थित है आपके कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है आपके तमिलनाडु में, कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में वेदांत गल पच्ची विहार आपका पड़ता है। ठीक है, दो तीन आपके होते हैं जैसे नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आपकी और भी ढेर सारे होते हैं। ठीक है, पालवाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपके आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपके महाराष्ट्र के नागपुर में, कहाँ पर है नागपुर, ऑप्शन राइट आपका 43 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ पर दो चार क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है लखनऊ में, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है इंदौर में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है इज्जतनगर में है, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक नई दिल्ली में, भारतीय जो कह सकते हैं आपका गेहूं अनुसंधान आपके पूसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे 44 नंबर जो कि पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और संभवतः कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार को, कर आपसे निम्नांकित में से कौन सी गर्म धारा है, तो गर्म धारा आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी जो गर्म धारा हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो 44 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगी, ब्राज़ील की धारा। ठीक है, ब्राज़ील की धारा, देखिए मान लो भूमध्य रेखा है, यहाँ से जो रेखा आपके भूमध्य रेखा से ऐसे ऐसे चलती है, तो यहाँ से जो रेखा जाएगी वो गर्म होगी, लेकिन जो ध्रुवों से आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी ठंडी हो जाएगी। और ब्राज़ील कहाँ पड़ती है, लगभग हमें यहाँ होती है, तो आपकी ऐसी जाती है। ठीक है, तो इस कारण आपकी गर्म होती है, तो यहाँ पर आपकी जो ब्राज़ील की धारा है वो आपकी कैसी है, आपकी ये गर्म धारा है। ठीक है, जैसे आपकी वेनेजुएला की धारा होती है ठंडी धारा होती है। ठीक है, मोजाम्बिक की जो धारा होती है वो आपकी कह सकते हैं ये गर्म एवं स्थाई होती है, मतलब कह सकते हैं मोजाम्बिक, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं मोजाम्बिक। और आपकी फ्लोरिडा की होती है गर्म होती है, कैलिफोर्निया की आपकी ठंडी होती है, लैब्राडोर की ठंडी होती है। ठीक है, चलिए निष्कर आपसे कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, लोयस, तो लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये मिट्टी होती है पवन द्वारा विक्षेपित मिट्टी होती है, मतलब कह सकते हैं कि पवन धूल कणों को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर जो निक्षेपित कर देते हैं वही आपके होते हैं आपके लोयस। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल लागू किया गया, मतलब कह सकते हैं कि आपके धर्म के हिसाब से अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था, ये आपका एक आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आपका जो आया था उसमें से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र आपके बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर इसी के तहत आपके केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कह रहा आपसे वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होगा, मतलब वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम ये क्या था भाई, तो ये जो आपका अधिनियम था ये आपको जो संबंधित था आपके ये था आपके सी नंबर कि राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर 48 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, मतलब कि मुद्रा स्फीति को हम किस प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो मांग पर नियंत्रण कर सकते हैं, मुद्रा के रूप पूर्ति पर नियंत्रण, लेकिन ब्याज दर को कम करके हम लोग मुद्रा स्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और 49 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्पादन के चार कारक हैं, उत्पादन के चार कारक होते हैं, तो आपके यही चार कारक होते हैं किसी भी चीज़ के उत्पादन में आपके होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये आपके सभी होते हैं। ठीक है, उत्पादन के चार कारक वैसे तो मुख्यतः आपके तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके चार दिए हैं, तो आपको भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन आपको बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 50 नंबर है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है, था जो आपका ये गोह नामक स्थान है यह आपके कहाँ पड़ता है, यहाँ पर आपको दिया गया है आपका ए नंबर बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था,
बी नंबर पाकिस्तान में, सी नंबर भारत में और डी नंबर भूटान में। ठीक है, कहाँ पर आपकी पैदा हुई थी, ये आपका स्थान गो कहाँ पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, और अगर आपको पसंद आता है तो डेली का डेली वीडियो लगा आप लोग ऐसे पढ़ते जाइए और अच्छे अच्छे आपको टेस्ट आपको डेली का डेली देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि हमने किस प्रकार से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। ठीक है ना, अगर आप और चाहेंगे तो और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से आपको उतना ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको हिंदी का टेस्ट आता है लगभग आपके 8:45 में, तो आप डेली का डेली हिंदी का फुल टेस्ट भी लगाते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।